नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के समय में डिजिटल बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है और उसमें भी यू मोबाइल मोबाइल बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आप अपने यू मोबाइल ऐप को, जिसे हम मोबाइल बैंकिंग भी बोलते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड, जिसमें लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, दो पासवर्ड होते हैं, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दोस्तों आपको अपने एटीएम का डिटेल, जिसमें एटीएम का पिन, सीवीवी और ट्रांजेक्शन के समय जो ओटीपी रिसीव होता है, उसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बैंकिंग से संबंधित सही सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से यू मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं। चलिए यू मोबाइल टाइप करके डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा यू मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों यहाँ से ऐप को ओपन कर लेते हैं, यू मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा दिखे। ओके, ये हमारा ऐप ओपन हो चुका है। अब यूनियन बैंक के सिंबल पे क्लिक करके ओपन करते हैं। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का भी सिंबल आ रहा है। अभी ये दोनों बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो रहे हैं। ओके, यूनियन बैंक को ओपन कर चुके हैं। लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ रहा है। प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में कुछ बैलेंस होना चाहिए। ओके, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे वाई डिफॉल्ट मोबाइल बैंकिंग और भीम ऐप दोनों आ रहे हैं, हमें दोनों फैसिलिटी एक्टिवेट करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ओके, दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, आई हैव डेबिट कार्ड, आई हैव इंटरनेट बैंकिंग, आई हैव ब्रांच जनरेटेड टोकन। ओके, हमको डेबिट कार्ड के थ्रू यू मोबाइल एक्टिवेट करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है उसके साथ जाएंगे। ये हमने अपने एटीएम कार्ड नंबर इंटर कर दिया। अब एक्सपायरी मंथ और ईयर इंटर करते हैं तथा एटीएम पिन इंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। ओके, एटीएम पिन इंटर करते हैं। देखिए दोस्तों नीचे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई बिगेस्ट वैल्यू ऑफ 98, 55, 43। यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू 98 होगा, 98 इंटर करके डन करते हैं। ओके, सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सेट लॉगिन पिन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमको जो भी लॉगिन पिन बनाना है 4 डिजिट का, उसको इंटर करेंगे एवं दोबारा इंटर करके कन्फर्म करेंगे। चलिए इंटर करते हैं। ये हमने 2233 इंटर कर दिया और दोबारा इंटर करके कन्फर्म करते हैं। आप कोई भी पिन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों लॉगिन पिन बन चुका है। अब प्रोसीड पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन पिन का पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों ऊपर वाले कॉलम में इंटर पिन रिसीव थ्रू एसएमएस के थ्रू हमें एक ओटीपी रिसीव होगा जो इंटर करना है। यहाँ पे मोबाइल ने ऑटोमेटिक रिसीव कर लिया है। नीचे सेट ट्रांजेक्शन पिन का ऑप्शन आ रहा है, उसमें हमें जो भी ट्रांजेक्शन पिन बनाना है उसे इंटर करेंगे एवं दोबारा इंटर करके कन्फर्म करेंगे। चलिए अपनी ट्रांजेक्शन पिन इंटर करते हैं। 4455, ये हमने ट्रांजेक्शन पिन इंटर कर दिया। अब दोबारा इंटर करके कन्फर्म करते हैं एवं सबमिट पर क्लिक करते हैं। ओके, कंफर्म कर दिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन सक्सेसफुली। दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन पिन बन चुका है। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
दोस्तों हम लोग लॉगिन पेज पे आ चुके हैं, चलिए लॉगिन करके देखते हैं। अपना लॉगिन पिन एंटर करते हैं। ओके 2233 जो हमने लॉगिन पिन बनाया था उसको एंटर कर दिया। दोस्तों हमारा यू मोबाइल ऐप ओपन हो चुका है, हम यू मोबाइल ऐप के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे सारे टैब शो कर रहे हैं। अकाउंट का डिटेल के लिए हमको अकाउंट टैब पे जाना होगा, लोन के लिए लोन डिटेल पे जाना होगा, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट के लिए इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट टैब पे जाना होगा, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक या सेम बैंक में हमें फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन पर जाना होगा, डेबिट कार्ड के लिमिट के लिए ब्लॉक करने के लिए या दूसरे सर्विस के लिए हमें डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर जाना होगा, कोई बिल पेमेंट के लिए हमको बिल पेमेंट ऑप्शन पर जाना होगा, मुद्रा लोन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है उसको चेक करने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर जाना होगा, अपना पासबुक देखने के लिए हमको एम पासबुक पर जाना होगा। दोस्तों डाउन साइड में UPI भीम का भी ऑप्शन आ रहा है, कंटेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि आप यू मोबाइल का मल्टीपल यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों इस चैनल पर आपको बैंकिंग एवं फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारी सही सही एवं समय पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।